आज मैं लाल मिर्च का अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर साल भर तक आराम से खा सकते हैं। 300 ग्राम के करीब मोटा वाला लाल मिर्च लेंगे। इसे हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया है, जिससे कि इसके ऊपर का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद हमें इसे बीच से कट कर लेना है। उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें इसे बारीक सा पेस्ट इसका नहीं बनाना है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसे बोल में निकाल ले। इसे साइड में रखकर अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई को गर्म करना है। गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम लो पर रख दे। इसमें 25 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, 1 छोटा चम्मच कलौंजी डालकर इसे हमें सिर्फ 1 मिनट लो फ्लेम पर रखकर भून लेना है। एक मिनट भून लेने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। इधर हमारा मसाला थोड़ा ठंडा हो रहा है, इधर कढ़ाई में 100 ग्राम के करीब सरसों का ऑयल ऐड करें। सरसों के ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा कर लेना है। इधर मसाला रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। दरदरा सा पाउडर बना लेने के बाद इसे हमें मिर्च में ऐड कर देना है। साथ में इसमें 50 ग्राम के करीब अमचूर पाउडर, 50 ग्राम के करीब नमक और ऑयल जो हमने जो गर्म किया है वो ठंडा करके इसमें ऐड करेंगे। स्पून की हेल्प से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ध्यान रखें, यहाँ पर हमें अचार बनाने की प्रक्रिया में कहीं भी पानी को टच भी नहीं करना है और यूज़ भी नहीं करना है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे हमें 2 दिन तक धूप दिखाना है। धूप दिखाने के लिए हमें क्या करना है, दिन में इसे खुला रखकर धूप के नीचे रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद रात को इसे इस तरीके से ढक्कन लगा देना है। फिर सुबह में इसे 3-4 घंटा धूप दिखा करके फिर उसका ढक्कन लगा करके हमें इसे रख देना है। 2 दिन इसे लगातार 3 से 4 घंटे धूप दिखा देने के बाद मिक्सचर अभी ड्राई हो गया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसके लिए 150 मिलीलीटर के करीब ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे हमें अचार में मिक्स कर देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमने इधर कांच के बोतल को अच्छी तरह से गर्म पानी से धोकर इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इसमें हमें अचार को डाल देना है।
ऊपर से गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों के ऑयल को इस तरीके से ऊपर तक भर देना है, जिससे कि हमारा अचार लंबे टाइम तक चलता रहे और जल्दी ख़राब भी ना हो। उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर इसे 6 से 7 दिन और धूप दिखा दे। इसे आप रोटी, पराठा, दाल, चावल किसी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मिर्च वाली इस अचार की रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।